हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बच्चे? अभी मैंने लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड किया था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहा था, ठीक है, जिसमें हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके वजह से? ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। और डाइपोल पता होगा आपको, दो चार्ज को पास में रख दोगे वो डाइपोल हो जाएगा। तो जिसमें फर्स्ट केस बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे? एट वो पॉइंट एट एक्सियल लाइन, जो कि एक्सियल लाइन पे कहीं हो, एट एक्सियल लाइन। ये अपना बेटा हो गया है, ये डन हो चुका है। दूसरा मैंने बोला था, ये फर्स्ट वाला था। दूसरा अभी अपने पास बचा है इक्विटोरियल। दूसरा क्या बचा है? यानी ये अपना 0 डिग्री पे था और फिर एट इक्वी, उस पॉइंट पे जो कि इक्विटोरियल पे हो, इक्विटोरियल पे हो। तो यानी अब इसको हम करने जा रहे हैं जो कि 90 डिग्री डाइपोल के सेंटर से वो पॉइंट होगा। तो बेटा यहाँ हम पहले, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वही डाइपोल ले लेते हैं। और इसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे सेकंड वाले में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस या लाइन बोल सकते हो, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या लेना है, सबसे पहले अपने को लेना है एक प्लस क्यू, प्लस चार्ज एक लेना है और एक चार्ज अपना माइनस क्यू। इसकी वैल्यू है माइनस क्यू। वही सेम इनके बीच में जो दूरी है, उस जो डिस्टेंस है उसको कितना माना गया है, 2a, उसको 2a माना गया है। तो जो ये पॉइंट है बेटा वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, सेंटर ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलर यहां कहीं ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे हम समझते हैं, इसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो पी पे फोर्स लगेगा वो किधर होगा, ऐसे रिपल्सिव होगा। ये इस पॉइंट चार्ज को क्या करेगा, इधर साइड रिपेल करेगा, और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप यहाँ ये देख लोगे कि ये पहले इसको समझ लेते हैं, ई वेक्टर प्लस क्यू के वजह से, और इसके वजह से जो है माइनस क्यू की वजह से ई वेक्टर माइनस क्यू। इसको जैसे, इसको अगर मानो चाहो प्लस क्यू, चलो ठीक है, हम प्लस और माइनस क्यू ही मानते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, वो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी।
और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहां कहीं, ठीक है, जो कि यहां जो एंगल है ये थीटा होगा, यहां भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस चीज को ऐसे समझो, ये है 2a, ये है r, तो इसकी दूरी हम बता सकते हैं क्या? इसकी दूरी होगी पाइथागोरस से हम निकालेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर यानी h, और वो रूट में कर दो उधर साइड ले जाके, यानी r स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, r स्क्वायर प्लस बेस यानी a हो जाएगा, ये पूरा बेस नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो a का स्क्वायर, फिर यहाँ हम देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस वही सेम जैसे था वैसे ये भी है, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको ज़ीरो मान लो, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो आगे हम चलते हैं, इस इतने को अगर हम समझ लिए हैं तो अब आते हैं E1 और E2 वेक्टर पे, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं E1 और E2 वेक्टर पे, E1 E2 बोल दो या EA EB बोल दो, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, वो हमारे ऊपर डिपेंड, अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कुछ भी मान सकते हैं उसको। तो यानी यहाँ हम देखेंगे कि EA वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये होगा के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है, के क्यू अपॉन, तो यानी यहां हम पहुंचे थे बेटा कि जो फॉर्मूला बन रहा था के क्यू यानी ये प्लस वाले की वजह से जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर, ये एल है एक्चुअली, ये जो है वो क्या है, एल की वैल्यू, इसको भी क्या मान लो, इसको भी मान लो एल के बराबर, इधर वाला भी एल के बराबर मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ जो निकल के आएगा वो होगा, अब देखो ये इसके लिए इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और ई बी की वैल्यू ऐसे हम निकालेंगे, ई बी वेक्टर की वैल्यू वो भी क्या होगा, के क्यू, यानी यहाँ माइनस प्लस से नहीं मतलब है, वहाँ क्या है मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू से मतलब है, अपॉन एल का स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फिर इसके बाद दोनों देखो बेटा इस समय बराबर हैं, यहाँ हम ये पा रहे हैं ई ए वैक्टर इक्वल्स टू ई बी वैक्टर इक्वल्स टू क्या है, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ओके। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है बेटा, ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, यानी हम स्केलर ले रहे हैं साइन, यानी हमने यहाँ वेक्टर वाला साइन हटा दिया, ठीक है, ई बी कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखने जा रहे हैं, इसके जगह पर ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, के क्यू बाई एल का स्क्वायर कॉस थीटा, और ये देखोगे इधर प्लस के क्यू वही सेम है,
अपॉन एल का स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, आगे ले चलते हैं, ई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो रहेगी, दोनों को जोड़ दो, 2KQ अपॉन एल का स्क्वायर कॉस थीटा। ये है इक्वेशन 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। फ्रॉम, या इसको ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको ये मान लो, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ पी, देखो यहाँ इसकी बात हो रही बेटा, ये है पॉइंट पी, ये है ए ओ पी, इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, इस ट्रायंगल में जो देख रहे थे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी एल की स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो 5 वाले इक्वेशन के नाम से, तो फिर इसका आते हैं, अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा, डी बाई एल, डी बाई एल से निकलेगा। तो यहां हम देखेंगे कि डी अपॉन आर स्क्वायर, बेटा मैं यहाँ R को जो अपना D है इसको मैं ए ए बोल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी बेटा यहाँ क्या था, इसको मैं डी डी बोल दे रहा हूँ, ये अपना क्या है, ए ही है, ठीक है, ए है, इस पे नहीं कंफ्यूज होना है, ये है ए बाई एल, ये है क्या बेटा, ये है अपना, ये रूट में रहेगा, एल की वैल्यू रख रहे हैं, एल की वैल्यू ये है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रख दे रहे हैं। फिर आगे इसको देखेंगे, ए देखो बेटा, ये जो ए अपॉन एल लगा है, ठीक है, ए अपॉन एल, जो साइन कॉस कॉस थीटा वैल्यू अगर आप देखोगे, पंडित बाटे प्रसाद, ऐसे देखो यहाँ, पंडित बाटे प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से लगेगा, तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये था ए और हाइपोटेनियस ये है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस निकलेगा, तो कॉस की वैल्यू ऐसे निकल रही है अपनी। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे रूट को अगर हटाना चाह रहे हो तो ये जो बनता है बच्चे, ये आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर हाफ, की पावर 1/2, और इसको मान लो इक्वेशन 6 मान लो। इसके बाद जो बात होती है इम्पॉर्टेंट, वो ये है 5 और 6 को यूज़ करके 4 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, यूजिंग, या इस पे करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 5
एंड सिक्स इन इक्वेशन फोर, ठीक है, उसको जब रखोगे इक्वेशन फोर याद करो क्या था, इक्वेशन फोर अपने पास ये पड़ा है, ये है, दिस इज द इक्वेशन फोर, ठीक है, टू के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर कॉस थीटा, तो इसी पे अपने को रखना है बेटा। तो हम क्या देखेंगे यहां, ई की वैल्यू क्या निकल गया है, 2k upon r square plus a का square into, और फिर सिक्स वाले को लेंगे तो क्या होगा, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, तो जब इन सबको देखोगे ये वन है और ये क्या है, हाफ है, ये क्या है, हाफ की पावर हाफ था ना, तो ये है। और फिर इसके बाद बेटा यहाँ जो निकल के आ रहा है केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसको इसको ले लोगे, ठीक है, डेढ़ डेढ़ यानी 3/2 इसको कर सकते हैं हम, ओके। तो यहाँ से हम देखना चाहेंगे कि जो पी की वैल्यू होती है ना, जो पी की वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2a into q या q into 2a, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम क्या करने जा रहे हैं, इससे हम आगे करेंगे, जैसे जो a है बेटा वो क्या है, बहुत बहुत छोटा है r से, देयरफोर ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो यहाँ ई की वैल्यू जो निकल के आएगी, ई की वैल्यू जो निकल के आएगी के पी अपॉन आर, अब ए को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, आर का स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2, तो ये जो टू है ना ये टू से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फाइनल आंसर आ गया, ई की वैल्यू होगी के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे फाइनल ई की वैल्यू निकल के आई है के पी अपॉन आर क्यूब, ये इक्विटोरियल पे वैल्यू निकल के आई है, ये किसके लिए है, इक्विटोरियल के लिए, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एट एनी पॉइंट, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।